अबाउट 48 ईयर्स से हम लोग स्टेज की दुनिया और फिल्म लाइन में हैं, और जब भी कल्याण ज्ञान जी नाइट होती थी तब देखते थे कि बाल कलाकार सबसे ज़्यादा स्कोर कर जाता था। यानी आपको मालूम होगा कि जब मैंने नागिन की बीन बजाई तो मेरा लड़का बिजू, वो तो 5 साल का था, लेकिन उसको सुनने के लिए मेरे से भी ज़्यादा लोग आ जाते थे। तभी देखा वो लॉलीपॉप, वो भी इतना पॉपुलर, छोटे छोटे बच्चे जो भी थे तो बहुत ही पॉपुलर होते थे। तब से एक माइंड में था कि क्यों ना ऐसा हो कि पूरा शो बाल कलाकारों का हो, और आज वो दिन आ गया है कि आप देखते हैं कि 3 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इतना इम्प्रूव करते जा रहे हैं कि एक शो के बाद जब दूसरा तीसरा शो आप देखेंगे लगेगा कि इतना इम्प्रूवमेंट। और ऑल इंडिया कल्याण जी भाई, लिटिल वंडर्स ने वाकई वंडर मचा, धूम मचा रखी है, वंडर क्रिएट कर रखा है मुंबई में। इसको और कहाँ तक ले जाने का इरादा है आपका? अभी सोच तो रहे हैं कि सभी ठिकाने, इंडिया में भी पूरा काफ़ी लोग देखें और फॉरेन में जाए, लेकिन बहुत बड़ा स्टाफ हो जाता है और सब बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। फिर भी कोशिश पूरी रहेगी, अभी बता नहीं सकते क्या है, लेकिन अमिताभ जी, दिलीप जी, सुनील जी, जितने लोगों ने देखा हो सब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। वो इंस्टीट्यूट के रोल कल्याण जी भाई, आप एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोल रहे? हाँ, ये कलावीर अकेडमी है हमारी, जो आपने बोले ना सब, तो इसमें कलावीर अकेडमी में क्या है कि जो हम देखते हैं कि जेन्यूनली एक कलाकार बनने वाले ही हैं, दिख जाता है हम लोगों, उनको हम पूरी ट्रेनिंग करने की कोशिश देते हैं, और उसके लिए जो जो सुविधाएं चाहिए वो हम पूरी देते हैं। और उसके लिए हमारे स्वामी नारायण पंत है जो महालक्ष्मी वाले, वो बहुत इंटरेस्ट हैं, और हमारे कच्चे ग्रुप में तो एंकर अमर सान, प्रिंस वाले, और काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट ले गए और इतनी मदद करते हैं मैं बता नहीं सकता हूँ। और हम चाहते हैं कि एक ऐसी इंस्टीट्यूट हो कि जहाँ सब बाल कलाकारों को पूरी अच्छी सुविधा मिले, और आज की जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है, बाला साहेब ठाकरे ने भी हमें प्रॉमिस किया है, मनोज जोशी जी ने भी प्रॉमिस किया है कि हमसे जो भी हो सकता है हम करेंगे। भारत के पद्मश्री कहलाते हैं, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है, पद्मश्री कल्याण जी अंकल। इनकी तारीफ हम क्या करेंगे, जितनी कर लो कम है, इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे, लफ्ज कहने को कम है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, ये हैं तभी तो हम हैं, पद्मश्री कल्याण जी अंकल। पधारे हुए तमाम संगीत प्रेमी भाइयों, बहनों और नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझे नहीं लगता है कि लिटिल वंडर्स के बारे में अभी कुछ कहना जरूरी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं कहूँगा कि राउंड अबाउट 48 ईयर्स से हम इस लाइन के अंदर हैं, स्टेज की दुनिया और फिल्म लाइन में। तो हम सोचते, जब भी कल्याण जी आंजी नाइट होती थी तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्कोर कर जावे तो बाल कलाकार। तो हम उस टाइम से हम सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा हो कि पूरा शो बाल कलाकारों का होना चाहिए, और आज वो दिन है कि तमाम बाल कलाकारों आप यहाँ देखेंगे, इसमें 3 साल का छोटे में छोटा बच्चा और 12 साल का बड़े में बड़े बच्चा, और तमाम बच्चे बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ इससे आप उनको देखेंगे कि जे बच्चे ऐसे कि जिनको अपने को एंटरटेन करना चाहिए वो अपने को एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। और शॉर्ट में मैं कहूँ तो ऐसा लगेगा कि पहले हम हमेशा कहते थे कि हम गुरु लोग आ रहे हैं और अपने शिष्यों को लेके आएँ, इधर आपको लगेगा कि हम शिष्य हो जाएंगे, वो हमारे गुरु लगेंगे, ऐसे लगेगा। तो जहाँ भी कुछ अच्छा लगे ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, और 2.5-3 घंटे के लिए बिल्कुल आप बच्चे बन जाइए और बच्चों की तरह मज़े लीजिए उसे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने उस फिल्म से गीत गाने जा रही हूँ जिसके लिए हमारे कल्याण जी अंकल और आनंद जी अंकल को नेशनल अवार्ड मिला था, फिल्म सरस्वती चंद्र। इस गीत को लिखा है कवि इंदिवर जी ने। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए।
ओजस अढ़िया। अपने पंडित ओजस अढ़िया, ये इनकी उंगली में म्यूजिकल कराटे उंगलियां हैं बिल्कुल। जब तबले पे थाप लगेगी तो पता चलेगा। अभी पुणे में प्रोग्राम था, इतनी ठंड थी वहाँ, लेकिन ऐसा तबला बजाया कि भीमसेन जोशी जी ऊपर आके उनकी तारीफ की है। लेकिन तब से ज़रा दिमाग ज़रा गड़बड़ हो गए, होता है आर्टिस्ट हैं। मुझे क्या बोल रहा है यहाँ कि आज की ऑडियंस इतनी पावरफुल और म्यूजिकल ऑडियंस है, कम से कम एक घंटे का चांस मुझे मिलना चाहिए। 1 आवर ओनली सोलो बाय पंडित ओजस अढ़िया। मिमला वन डे क्रिकेट मैच है यहाँ, तो बड़ी मुश्किल से 7 मिनट में सेटलमेंट हुआ है। 7 मिनट में, पर 7 मिनट में गाभा काढ़ी मुख्य तुम जो तो खराब। वेरी गुड डेमोस्ट्रेट। आओ ओजस अढ़िया का ताल भरा, लय भरा, प्यार भरा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं एक छोटा सा तबला वादक हूँ। तबला यानी ताल, तबला यानी रिदम, तबला यानी लय। दुनिया की हर चीज लय में चलती है। रात हो या दिन, चांद हो या सूरज, बारिश, गर्मी, सर्दी, कोई भी मौसम हो, सब लय में चलता है। आपने शादीवादी की नहीं लगती है, ये तबला बच जाएगा, ये जो आपकी लय ना प्रलय में बदल जाएगी। आओ, ये मिस्टर मानचंद, मास्टर जी मानचंद बीटी स्टेशन पे रहते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो, और अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो प्रॉब्लम करवा भी सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है इनकी। और क्या क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, कोई सवाल पूछे आपको? ओ मानचंद, इनका ये सवाल है कि ये जो ट्रेन है आपकी चलती है, इसमें स्लो ट्रेन कौन सी है और फास्ट ट्रेन कौन सी है, कैसा पता चलेगा? स्लो ट्रेन या फास्ट ट्रेन कैसा पता चलेगा? स्लो ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है और फास्ट ट्रेन दो स्टेशन के बीच में रुकती है। अरे आपने खबर नहीं, दो स्टेशन के बीच में रुके फास्ट ट्रेन, बहुत अच्छा। क्या था सीधे वहाँ? अच्छा, टाइम टेबल। अच्छा सुनिए, एक सवाल इनका और है, ये जो रेलवे टाइम टेबल आप जो इतना बड़ा रखते हैं, ओ मास्टर जी, वो रेलवे टाइम टेबल काहे के लिए? आपकी ट्रेन का तो कोई ठिकाना नहीं है। ओ कभी कोई ट्रेन घंटा लेट दी है कभी ना, काहे के लिए टाइम टेबल? टाइम टेबल इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि गाड़ियाँ कितने मिनट लेट है, कितने घंटे लेट है और कितने दिन लेट है। ये रेलवे मिनिस्टर माटे फिट थी गया से, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं मिस्टर मानचंद जी, बहुत अच्छा, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। ये दोनों भाई हैं और इनके पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, योगेश आकोट और आकोट से हैं, और बहुत ही अच्छे होनहार हैं, आर्टिस्ट हैं। सेकंड इनिंग में आप देखेंगे तो और कमाल दिखाएंगे। आइए जोरदार तालियों के साथ। और इनसे काफ़ी सवाल आप पूछ सकते हैं। एक सवाल ये काफ़ी लोगों ने पूछा है कि स्टेज की दुनिया और फिल्म की दुनिया में क्या फ़र्क है? स्टेज की दुनिया और फिल्म लाइन में बहुत फ़र्क है, बहुत। फिल्मों में तो ईजी है, एक बार गलती हो जाती है ना, डायरेक्टर साहब बोलते हैं फिर से करो, फिर से करो, जितनी बार भी करने तो करो। लेकिन स्टेज पे तो बाबा रे बाबा, स्टेज पे थोड़ी सी भी गलती हो गई ना
जब लोग तालियां बजा रहे ना वो गालियों में बदल जाएगी। हाँ, और फिर अब सब लोग हमारे ऊपर आलू टमाटर पता नहीं क्या क्या फेंकेंगे, इसलिए स्टेज पे तो बहुत तैयार होके आने पड़ता है, बहुत नहीं तो गए काम से गए। एक्सपीरियंस है, घनी बार आलू टमाटर खाई बैठे। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल बड़ा डेंजर सवाल है। आपने तो अपनी जवानी में काफ़ी शादियां वादियां की हैं, तो सबका ये कहना है कि शादी का निचोड़ क्या है आपके हिसाब से? भाई, शादी तो चिंगम की तरह होती है। चिंगम मालूम है? चिंगम शुगर कोटिंग वाली, पहले तो बहुत मीठी मीठी, हाँ ओ हो, फिर कोई स्वाद नहीं है, फिर चबाते रहो चबाते रहो। खा भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते। मारी नाच रे। फिर अपनी चिंगम ही अच्छी नहीं लगती, बाकी के सब पिमेंट्स अच्छे लगने लगती है। मारा बापे, आप यहाँ डाइवोर्स करवा देंगे? आपके हिसाब से शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं अंकल, शादी तो एक बार करनी चाहिए। ओए सदा जी, अरे वो आपको टेलीफोन पे ना भी बोला था ना कि आपने ट्रायल बाय लेंगे, सुनेंगे, उसके बाद आप फिर आ गए यहाँ। क्या नाम है आपका? जी साडा नाम भंगड़ा सिंह। भंगड़ा सिंह? ओए मारा बाप, भंगड़ा सिंह, अरे भगवान पहुंचे मेरे को तो रिहर्सल से। ये कौन है आपके साथ आए? अजी ए मेरी 12वीं कुड़ी मंजीत कौर। 12वीं कुड़ी? अरे बारहवीं छोकरी, कौन कौन सी है लड़कियाँ? देखो पहली प्रीत कौर, हरजीत कौर, अमनदीप कौर, इंद्रप्रीत कौर, हरप्रीत कौर, और 12वीं कुड़ी जी मंजीत कौर। अच्छा 12वीं कुड़ी, और बाप रे क्या हुआ? क्या क्या कोई लफड़ा किया? अरे लफड़ा कर रहे हैं। क्या पुलिस का क्या लफड़ा हुआ है? सरदार जी भगवान पहुंचे आलो को दिखाने का। सरदार जी आप बहुत संभालिए, मुंबई है, बॉम्बे में बड़ा संभाल के कोई भी चीज़ है। क्या दादा आवाज आ रही है? ओए मारा बाप, बाप मारी नाच रहे आ रहे आवाज है। क्या दादा का है? यार सरदार जी है ना, सरदार जी सिग्नल तोड़ के भाग गए। सिग्नल तोड़ दिया? हाँ जी, मैं तो सिग्नल नो हाथ भी नहीं लगाया जी, तू तोड़न दी गल करता है। ये बोलते हैं हाथ भी नहीं लगाया, तोड़ दिया हमने अंकल। सरदार झूठ बोलता है। अच्छा तोड़ दिया सगा? हाँ। इसको कानून समझाओ, क्या कानून है बोलो। सरदार जी जब कोई गड़बड़ मत करना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हाँ कानूनी साइज है, हाथ नहीं जो है। हम हवाला वाला बदू आ गया, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। सुनिए ओ एक हवाला, तुम्हें शांत रहो आणि तुम्ही पॅन्ट जरा लांब घालत जावा, कारण पहिले रोला फार तकलीफ होते। हाँ हाँ ठीक है मारी। हाँ अजी क्या नहीं कर सकती? अच्छा क्या नहीं कर सकती, बोलो ना। आने पहुंचा देखो, नच सकती है, गा सकती है, नच सकती है, गा सकती है, उठ सकती है, बैठ सकती है, चल सकती है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।